अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पाना। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है जीन थेरेपी। जीन थेरेपी एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके अंदर नॉन फंक्शनल और डिसफंक्शनल जीन को रिप्लेस कर दिया जाता है नॉर्मल जीन के साथ। देखें, जीन थेरेपी एक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या किया जाता है, नॉन फंक्शनल जीन्स होती है, ठीक है, इन जीन्स को रिप्लेस कर दिया जाता है किसके साथ, नॉर्मल फंक्शनल जीन्स के साथ, ठीक है। इसकी एक बेसिक डेफिनेशन यही है, जीन थेरेपी इज़ ए प्रोसीजर इन विच नॉन फंक्शनल और डिसफंक्शनल जीन इज रिप्लेस्ड बाय द नॉर्मल जीन। तो बेसिकली जो जीन थेरेपी होती है, इट इज़ द इंसर्शन ऑफ ए जीन इनटू एन इंडिविजुअल सेल, किसी भी सेल इंडिविजुअल के सेल के अंदर या फिर टिश्यू के अंदर जो जीन की इंसर्शन करवाना है, ठीक है ना, इंसर्शन ऑफ जीन, कहाँ पे वो इंसर्शन करवाई जाती है, सेल्स के अंदर। सेल्स के अंदर ये इंसर्शन करवाई जाती है, क्यों करवाई जाती है, ट्रीट करवाने के लिए एक स्पेसिफिक डिजीज को, हेरेडिटरी डिजीज को, ठीक है ना, जहाँ पे म्यूटेंट एलील जो रिप्लेस कर दी जाती है फंक्शनल एलील के साथ। तो यहाँ पे सेल के अंदर इसको किया जाता है ट्रीट करवाने के लिए, हेरेडिटरी डिजीज हो सकती है या फिर कोई नॉर्मल डिजीज और डिजीज, और डिजीज का मतलब है या फिर कोई और डिजीज जो हेरेडिटरी नहीं होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, हेरेडिटरी डिजीज म्यूटेंट एलील, मतलब के ये जो थी वो नॉर्मल एलील थी जो करवाई, इसको रिप्लेस कर दिया किसके साथ, म्यूटेंट एलील के साथ सेल के अंदर, ताकि ट्रीट किया जाए हेरेडिटरी डिजीज को या फिर कोई नॉर्मल अलील को, ठीक है ना। नॉर्मल अलील कौन सी थी, इसको हम फंक्शनल अलील भी कहते हैं, फंक्शनल अलील इज रिप्लेस्ड विद ए म्यूटेंट अलील, ठीक है। तो अगर हम बात करें जीन थेरेपी की टाइप्स की यहाँ पे, तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द सेल, जीन थेरेपी भी दो टाइप की होती है, हमें पता है सेल दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं सोमेटिक और एक होते हैं जर्म लाइन। बॉडी के अंदर सारे सेल्स को जो है वो इग्नोर करके सिर्फ दो तरह के सेल्स जो होते हैं वो जो रिप्रोडक्टिव होते हैं उनको हम कहते हैं जर्म लाइन सेल्स और सोमेटिक सेल। रिप्रोडक्टिव सेल्स एग सेल और सॉरी स्पर्म सेल, यहाँ पे लिखना था मैंने एग और स्पर्म सेल्स, इन दोनों को जो है वो इग्नोर करके बाकी जितने भी बॉडी के सेल हैं उसको हम सोमेटिक सेल कहते हैं, ठीक है। और जर्म लाइन के सेल केस में बॉडी के सारे सेल्स को एक तरफ रख के इग्नोर करके जो एग सेल जो एग और स्पर्म को अपने सामने रख के जो सेल्स होते हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं उसको हम कहते हैं जर्म लाइन सेल, ठीक है। तो इन्हीं की बेस के ऊपर दो तरह की हमारे पास जीन थेरेपी होती है, एक होती है सोमेटिक जीन थेरेपी ठीक है, और दूसरी होती है हमारे पास जर्म लाइन जीन थेरेपी, ठीक है। तो ये दो टाइप्स हैं, पहली टाइप है और ये इसकी दूसरी टाइप। तो अगर हम सोमेटिक जीन थेरेपी की बात करें तो इसके अंदर क्या किया जाता है, डिजीज़ को ट्रीट किया जाता है, ठीक है ना, बॉडीज़ के नॉन रिप्रोडक्टिव सेल के अंदर जीन्स को मॉडिफाई करके, जीन्स मॉडिफाई की जाती हैं कहाँ पे, नॉन रिप्रोडक्टिव, बार बार यहाँ वर्ड आ रहा है, नॉन रिप्रोडक्टिव का मतलब क्या है कि ये रिप्रोडक्शन नहीं हो रही इनके अंदर, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या किया जाता है, जो जीन्स है म्यूटेंट जीन्स इनको मॉडिफाई किया जाता है फंक्शनल जीन के अंदर, कहाँ पे, नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर जो बॉडी के अंदर होते हैं। तो इसका गोल होता है कि रिप्लेस फॉल्टी जीन दैट आर काजिंग डिजीज,
ठीक है ना। तो ऐसी जीन्स जो फॉल्टी हैं उनको फॉल्टी जीन्स मैं यहाँ लिखती हूँ, रिप्लेस्ड विथ हेल्दी वन, हेल्दी वन जीन के साथ फॉल्टी जीन को रिप्लेस करवा देना है, ठीक है ना। और हेल्दी जीन को इंट्रोड्यूस करवा देना है बॉडी के अंदर, सेल के अंदर। तो जो उसके बाद क्या होता है कि जब इस तरह कर दिया जाता है तो बॉडी प्रोड्यूस करती है करेक्ट प्रोटीन और एंजाइम, मतलब कि हेल्दी जीन जो होगी कि प्रोड्यूस करेगी प्रोटीन और एंजाइम। ये प्रोटीन और एंजाइम जो होते हैं ये करेक्ट हैं, ये हेल्दी हैं, ठीक है ना। मतलब कि ये क्या होते हैं, ये फंक्शनल हैं, ठीक है ना। जिसकी जो प्रॉपर फंक्शनिंग के अंदर ये हेल्प करते हैं, प्रोटीन और एंजाइम हेल्प इन प्रॉपर फंक्शनिंग। ठीक है, प्रॉपर फंक्शनिंग में ये हेल्प करते हैं। उसके बाद ये थेरेपी जो होती है ना, ये बहुत ज़्यादा इविडेंटली की जाती है। इट इज़ मोस्ट इविडेंटली प्रैक्टिस थेरेपी, बट इट इज नॉट पास टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो जो सोमेटिक जीन थेरेपी है ना, ये बहुत ज़्यादा की जाती है एज़ कम्पेयर टू द जर्म लाइन जीन थेरेपी। इट इज़ द इविडेंटली प्रैक्टिकल जीन थेरेपी एज कम्पेयर टू द जर्म लाइन जीन थेरेपी। तो हम नेक्स्ट अब हम देखेंगे कौन सी इशूज़ होते हैं जर्म लाइन जीन थेरेपी के अंदर, ठीक है। तो जर्म लाइन जीन थेरेपी एक ऐसी जीन थेरेपी है जिसके अंदर क्या किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है जीन को रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर। जीन मॉडिफाई कहाँ किए जाते हैं, ये रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर। रिप्रोडक्टिव सेल्स कौन से होते हैं, एग्स एंड स्पर्म। तो इनके अंदर जीन को क्या किया जाता है, मॉडिफाई करके आता है जर्म लाइन जीन थेरेपी के अंदर। तो उसके बाद क्या है इसका, ये गोल होता है कि हेरिटेबल चेंज ले आना। इट काज दी हेरिटेबल चेंज, कि अगर किसी ऐसी कोई डिसऑर्डर आ रही है जो कि बहुत ज़्यादा अफेक्टिव हो सकती है नेक्स्ट जनरेशन को भी और प्रेजेंट जनरेशन को भी अफेक्टिव है, तो उसके अंदर जो हेरिटेबल चेंज लाना है वो जर्म लाइन जीन थेरेपी लाती है। क्योंकि जो भी चेंज इसके अंदर आएगा वो इनहेरिटेंस में जाएगा आगे, ठीक है ना। वो हेरिडिटरी होगा, इसीलिए हम इसको हेरिटेबल चेंज कहते हैं, ठीक है ना। और ये फ्यूचर जनरेशन के अंदर भी पास होता है, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड हेरिडिटरी चेंज, यानी कि हेरिटेबल चेंज, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि जो जर्म लाइन जीन थेरेपी होती है ना, इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं। मैंने क्यों कहा था कि ये ज़्यादा प्रैक्टिस होती है इविडेंटली सोमेटिक जीन थेरेपी, क्योंकि जर्म लाइन तो बड़ा आसान सा हल है। नेक्स्ट जनरेशन भी जो है वो सुखी हो गई है इसके अंदर, सिर्फ वही करंट जो पर्सन है जिसके अंदर ये थेरेपी हुई है वही सुखी है, लेकिन इसके अंदर नेक्स्ट जनरेशन के भी सुखी होने के चांसेस हैं। लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा नहीं जो है वो प्रैक्टिस की जाती, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं। तो इस ये नेगेटिव इम्पैक्ट्स कौन से होते हैं, अगर इसको मिसयूज किया जाता है ना, तो ये मिसयूज्ड इंट्रोड्यूस जीन ये पास्ट हो सकती है नेक्स्ट जनरेशन में। मतलब कि अगर एक जनरेशन में अगर पेरेंट्स हैं हमारे पास, ठीक है ना, पेरेंट्स के अंदर कोई भी मिसयूज कर दिया गया उनकी जीन के साथ, कोई भी डिजीज वाली जीन जो होती हैं उनके एग के, अगर मदर है और अगर फादर है तो उसके स्पर्म के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दी गई है, जब भी नेक्स्ट जनरेशन में ये जाएंगे तो वो डिजीज़ कैरिंग जीन वो उसके साथ उस जनरेशन में जाएगी और अगली जनरेशन में भी वो जो है वो डिजीज़ काज करेगी, ठीक है ना। इसीलिए जो है इसके बहुत से मोरल और एथनिक इश्यूज़ हैं जर्म लाइन जीन थेरेपी के, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अप्रोचेज ऑफ द जीन थेरेपी, अप्रोचेज। तो अप्रोचेज जो जीन थेरेपी की होती हैं ये दो वेज में होती हैं। एक होता है एक्स वीवो जीन थेरेपी, थेरेपी, ठीक है। और दूसरी अप्रोच हमारे पास होती है इन वीवो जीन थेरेपी,
ये दो अप्रोचेज हैं हमारे पास बड़ी फेमस सी। तो इसके अंदर हम सबसे पहले देखते हैं एक्स वीवो जीन थेरेपी। ये ऐसी जीन थेरेपी है जिसके अंदर सेल्स को ना पेशेंट की बॉडी से निकाल लिया जाता है, ठीक है ना। सेल इज एक्सट्रैक्टेड फ्राम दी पेशेंट बॉडी एंड जीनेटिकली मॉडिफाइड आउटसाइड, और बाहर निकाल के जीनेटिकली मॉडिफाइड किया जाता है। सेल एक्सट्रैक्ट फ्राम बॉडी, बॉडी में से बाहर निकाल के फिर क्या करना है, फिर जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाना है उसको, मतलब कल्चर करवाया जाना है, ठीक है, बाहर ग्रो करवाया जाना है, उसके अंदर मॉडिफिकेशन करवानी है जीन की, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या है, फिर उसके अंदर मॉडिफिकेशन करवानी है न्यू जो फंक्शनल जीन है, फंक्शनल जीन, इसको किसके साथ हमने रिप्लेस करवाया था, डिफेक्टिव वन के साथ, और उसको दोबारा रीइंट्रोड्यूस करवा देना है पेशेंट के अंदर। दोबारा जब ये वाला प्रोसेस कर देना है जेनेटिकली मॉडिफिकेशन का, फिर इसको रीइंट्रोड्यूस करवा देना है किस में, पेशेंट के अंदर, ठीक है ना। तो इस अप्रोच के अंदर सेल को सबसे पहले निकाला जाता है पेशेंट से, जिस तरह के सेल को एक्सट्रैक्ट कर दिया गया है बोन मैरो से, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया जाता है, उस बोन मैरो के वो कल्चर करवाया जाता है, ग्रो करवाया जाता है उसके सेल्स को, फिर फंक्शनल और करेक्ट जीन को, इसके जो बोन मैरो का जीनोम है ना, ये जीनोम है, इस जीनोम के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है फंक्शनल एंड करेक्ट जीन, फंक्शनल करेक्ट जीन को इस जीनोम के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया जाना है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद दोबारा जो होती है, जब ये इंट्रोड्यूस करवा देना है करेक्ट जीन को, इसको दोबारा क्या कर देना है, इसको री इंट्रोड्यूस कर देना है, रिटर्न कर देना है पेशेंट की बॉडी को, रिटर्न किसको रिटर्न करना है, पेशेंट की बॉडी को, ठीक है। आगे हमारे पास इन वीवो जीन थेरेपी। इन वीवो जीन थेरेपी के अंदर क्या होता है कि ना जेनेटिक मटेरियल डायरेक्टली इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है पेशेंट की बॉडी में, डायरेक्ट जो है इंट्रोडक्शन टू पेशेंट बॉडी, किस चीज़ की इंट्रोडक्शन करवाई जाती है, जेनेटिक मटेरियल की इंट्रोडक्शन यहाँ पे करवाई जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि ये इंट्रोड्यूस जो होती है, डायरेक्ट इंट्रोड्यूस करवाई जाती है पेशेंट की बॉडी के अंदर जेनेटिक मटेरियल, जिसके अंदर फंक्शनल जीन होती है, ठीक है ना। तो ये डिलीवरी होती है थेरापीटिक जीन्स की टारगेट सेल्स के अंदर, मतलब पेशेंट बॉडी के ना जो सेल्स होते हैं ना, टारगेट सेल्स कुछ होते हैं, किसके ये होते हैं, पेशेंट की बॉडी के। तो इन टारगेट सेल्स के अंदर कुछ थेराप्यूटिक जीन्स होती हैं, थेराप्यूटिक जीन्स को ट्रांसफ़र किया जाता है, और इस ट्रांसफ़र के लिए हमें कुछ वेक्टर की ज़रूरत होती है, जिसको हम कहते हैं जो ये ट्रांसफ़र हम करवाते हैं ना जीन थेरेपी के लिए, तो इनके लिए हमें क्या होता है कि तो टारगेट सेल के अंदर थेराप्यूटिक जीन को इंट्रोड्यूस करवा के, और उसके बाद वो इसके अंदर इंटीग्रेट करके डिफरेंट जो है वो प्रोटीन वगैरह बनाना शुरू कर देती हैं, सेल्स के अंदर इंट्रीग्रेट करके नॉर्मली फंक्शन परफॉर्म करना शुरू होती है। तो जीन्स को जो इंट्रोड्यूस करवाने के लिए ना बॉडी के अंदर, तो हमें कुछ वैक्टर्स की ज़रूरत होती है, और इसी बुनियाद पर दो तरह के वैक्टर्स पाए जाते हैं जो भी हम स्टडी करते हैं। तो हमारे पास वैक्टर्स जो होते हैं, इसकी टू टाइप्स होती हैं, ठीक है। एक होता है वायरल वेक्टर, ठीक है, और सेकंड टाइप होती है हमारे पास नॉन वायरल वेक्टर्स, ठीक है। तो जो वायरल वेक्टर्स हमारे पास होते हैं, वायरल वेक्टर के अंदर क्या होता है,
इनको यूज़ करके ना साइंटिस्ट इंट्रोड्यूस करवाते हैं डिज़ायर्ड जेनेटिक मटेरियल को, ठीक है ना, जर्म लाइन सेल्स के अंदर, ठीक है ना। वायरल वेक्टर्स आर दी वेक्टर्स बाय विच जो है वो साइंटिस्ट जो होते हैं वो इंट्रोड्यूस करते हैं जेनेटिक मटेरियल को, डिज़ायर्ड जेनेटिक मटेरियल को इसके अंदर ना, जो वायरल वेक्टर होते हैं इसमें क्या होता है, डिज़ायर्ड जेनेटिक मटेरियल को जर्म लाइन सेल के अंदर इंटर करवाया जाता है। तो वायरल वेक्टर्स के अंदर जो होते हैं वो वायरसेस यूज्ड होते हैं, ठीक है। तो वायरसेस के अंदर सबसे पहले आता है हमारे पास जो होता है वो रेट्रोवायरसेस, क्यों रेट्रोवायरस, बिकॉज रेट्रोवायरस कैन इंटीग्रेट इनटू द होस्ट सेल, ठीक है ना, ये होस्ट सेल के अंदर इंटीग्रेट हो सकता है, दैट्स व्हाई इट इज चूजन। उसके बाद दूसरी चीज़ है हमारे पास एडीनोवायरस। एडीनोवायरस क्यों लिया जाता है, क्योंकि एडीनोवायरस बनाते हैं डीएनए को आरएनए से, ठीक है ना, डीएनए का पार्ट ये आरएनए से बनाते हैं, डीएनए बनता है किसे, आरएनए से ये बनाते हैं, ठीक है, इसीलिए हम इसको एडीनोवायरसिस कहते हैं। तो उसके बाद है कुछ इसकी एग्जांपल, एक है हर्पस सिंप्लेक्स टाइप वन वायरस, जो वायरल वायरस है ना, हर्पस सिंप्लेक्स टाइप वन वायरस, ठीक है। और दूसरा है हमारे पास नॉन वायरल जो है वो वेक्टर, ठीक है ना। तो नॉन वायरल वेक्टर जो होता है ना यूज़ करता है सिंथेटिक और वायरल जो है वो सिंथेटिक सब्सटेंस, सिंथेटिक सब्सटेंस यूज़ करता है डिलीवर करने के लिए जेनेटिक मटेरियल को सेल के अंदर, ठीक है ना। तो इसके अंदर हमारे पास सिंथेटिक सब्सटेंस, इट यूज्ड सिंथेटिक सब्सटेंस टू डिलीवर द जेनेटिक मटेरियल इनटू द सेल। इसके अंदर हमारे पास एक है नेकेड डीएनए। तो नेकेड डीएनए जो होता है ना ये इंट्रोड्यूस किया जाता है सेल के अंदर थ्रू ट्रांसफेक्शन, ट्रांसफेक्शन के प्रोसेस से, ठीक है ना। तो एक्सपोज किया जाता है सेल्स को, नेकेड डीएनए जो होता है ये सेल को एक्सपोज किया जाता है थ्रू इलेक्ट्रोपोरेशन, मतलब के इलेक्ट्रोपोरेशन के प्रोसेस से, कि हमें पता है इलेक्ट्रोपोरेशन में कुछ इलेक्ट्रिक जो है वो सर्किट, इलेक्ट्रिक जो थोड़ा सा करंट दिया जाता है सेल को, ठीक है ना, थोड़ा सा झटका, और उसके अलावा थोड़ी सी जो है वो कैल्शियम वगैरह का सेल को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है और सेल के अंदर पोर क्रिएट हो जाते हैं, और इन पोर से हम जो है वो नेकेड डीएनए को, कटिड नेकेड डीएनए को सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। दूसरा हमारे पास है ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ठीक है, तो ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम क्या होता है ये, इसके अंदर क्या किया जाता है, सिमिलर जो होता है ये ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ये सिमिलर होती हैं नॉर्मल क्रोमोसोम के, तो ये इजीली इसको इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है होस्ट सेल में। ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम आर सिमिलर टू नॉर्मल क्रोमोसोम, सो दे आर कैन बी इजीली इंट्रोड्यूस्ड इनटू द होस्ट सेल। आगे है बोन मैरो सेल्स, बोन मैरो सेल्स का प्रोसेस जो होता है, बोन नया जेनेटिक मटीरियल इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है बोन मैरो से, और बोन मैरो फिर इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है बॉडी के अंदर, ठीक है। फिर फोर है हमारे पास ओलिगोन्यूक्लियोटाइड, ये बहुत डिटेल से मैंने पढ़ाया हुआ है जेनेटिक MSc और BSc की सीरीज के अंदर, प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स के जरिए किस तरह डीएनए ट्रांसफर होता है, बहुत डिटेल से पढ़ाया हुआ है मैंने, ठीक है। फिर उसके बाद एट द एंड है हमारे पास लिपोप्लेक्सिस, फिफ्थ पॉइंट है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं थी, लिपोप्लेक्सिस, ठीक है। तो लिपोप्लेक्सिस क्या है, कि ये बनता है बाय द कम्बिनेशन ऑफ द थेराप्यूटिक जीन की कम्बिनेशन से किसके साथ, लिपिड,
ठीक है ना, लिपिड के साथ कम्बिनेशन से बनता है। लिपोप्लेक्सीज डिलीवर करते हैं टारगेट सेल्स को, लिपोप्लेक्सीज को डिलीवर किया जाता है टारगेट सेल्स को, ताकि ये ट्रांसफ़र कर सके जीन्स को, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास ट्रांसफ़र के लिए कुछ जो है वो प्रोसेसेस हैं, कुछ मेथड हैं, हम इधर देखते हैं। तो वो मेथड कौन कौन से हैं फॉर ट्रांसफ़र? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ जीन गन मेथड। हमें इस मेथड का पता है, और मैंने बहुत डिटेल से भी पढ़ाया हुआ है, आप ये जो जाके जेनेटिक्स की सीरीज़ में देख सकते हैं, ठीक है ना। तो और उसके बाद है माइक्रो इंजेक्शन मेथड। तो ये इंजेक्ट कर दिया जाता है इंजेक्शन की तरह डीएनए को हो सेल के अंदर, ठीक है। और एट द एंड डिटर्जेंट मिक्सचर, तो सीवरल केमिकल्स के साथ मिक्स करके भी डीएनए को इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है, ठीक है। इसको डिटर्जेंट मिक्सचर प्रोसेस कहते हैं। तो इसके डिसएडवांटेज और एडवांटेज की बात करें, सबसे पहले हम इसके देखते हैं एडवांटेज। एडवांटेज यही है इसका कि ट्रीट किया जा सकती है डिजीज, हेरिडिटरी डिजीज को भी ट्रीट किया जा सकता है, ठीक है ना। और जीन्स को, मतलब कि जो जीन्स प्रॉब्लम काज कर रही हैं उसको ही निकाल के, उसको ही फंक्शनल वन के साथ रिप्लेस करके हम बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, इट इज़ नॉट ए लॉन्ग लास्टिंग प्रोसेस। इतना सब जो है वो प्रोसीजर करके फिर भी अच्छा रिजल्ट नहीं आता है, तो फ़ायदा क्या फिर? या फिर दरमियान में जाकर कहीं म्यूटेशन हो जाती है दोबारा, फिर तो फिर क्या फ़ायदा है इसको करने का? ये इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है ना। टाइम कंज्यूमिंग भी है, और इसका जो है वो कोई भी जो कहते होते हैं ना, कोई भी जो है उसका कोई भी इस चीज़ की नहीं है, गारंटी नहीं है इसकी कि ये सही रहेगा या फिर नहीं रहेगा, ठीक है ना। डिसएडवांटेज इसका यही है। तो आई होप सो कि आपको जीन थेरेपी की समझ लगी होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।